रायगढ़ जिले के खनिज विभाग की टीम ने चकत्तर नगर छापा मुड़ा और सहदेव पाली के पास चार गाड़ियां गिट्टी से लोड होकर आ रही थी, जिसमें ड्राइवर से पूछताछ के दौरान कागजों में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। इसमें एक रेत से भरा ट्रक भी मिला था। पूजा पाठ कराने और सोने के जेवरात को दुगना करने का झांसा देकर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले महिला सहित दो अंतरराज्यीय आरोपी सुषमा प्रभाकर पाटिल व अशोक नाथूलाल भोलावत उर्फ बाबा को पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने अकोला महराज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रायपुर निवासी साहू दंपति से 75 लाख रुपए की ठगी की थी। जसपुर जिले के मनोरा विकासखंड में शनिवार को पुलिस गाड़ी ने 7 साल की बच्ची समेत 3 बच्चों को ठोकर मार दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीण गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने लगे। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस की स्कॉर्पियो की चपेट में 3 बच्चे आए थे, जिसमें से 2 की हालत ठीक है और 1 गंभीर है। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उरला की 2 कंपनियों में चोरी करने घुसे 5 चोर किशोर चतुर्वेदी, महेंद्र वर्मा, सोमनाथ लहरे और चंद्रशेखर व मुकेश बांदे को पकड़कर उनके पास से चोरी किया हुआ लोहे के प्लेट, तार व अन्य सामग्री माल सहित गिरफ्तार किया गया है। सितंबर को रायपुर स्थित जगुआर शोरूम के पीछे सरोना मिले एक व्यक्ति के शव के मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए डीडी नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपी आकाश सिंह उर्फ रामू व दीना नाथ उर्फ दीना को गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाश सिंह उर्फ रामू ने अपनी मां के साथ अवैध संबंध के शक में ऑटो चालक को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी ने ऑटो चालक को फोन कर घटना स्थल के पास बुलाया, फिर तीनों ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान ऑटो चालक चंदन को नशा होने पर आरोपियों ने ऑटो में रखे टूल किट से चंदन के सिर पर मारकर मौत के घाट उतार दिया। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर NH-53 चट्टी किरोला मोड़ के पास पहुंचकर वाहन चेकिंग करते समय सरायपाली की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता दिखा। मोहम्मद बिलाल को रोककर पूछने पर स्पष्ट जवाब न देकर विरोधाभासी जवाब मिलने पर उसकी तलाशी लेने व उसके पास से 28 पुड़िया रखा 36,000 रुपए कीमत का ब्राउन शुगर और 2 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। जगदलपुर की बोधघाट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के न्यायमुंडा क्षेत्र में अवैध नशीली कैप्सूल व सिरप का संग्रहण कर तस्करी कर रहे 5 आरोपियों तक्षक माने, सम्यक नहाटा, दद्दू, हरीश सोनी, विवेक शर्मा, रितेश सिंह रिंगू को पकड़कर उनके पास से प्रतिबंधित नशीली सिरप मोनोकॉप प्लस कुल 11 कार्टून में 1100 कुल मात्रा 110 लीटर एवं नशीली प्रतिबंधित कैप्सूल प्लस 50 जिसे 12,000 किया गया है। रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र इंदिरा नगर निवासी महिला से उसके भाई को हाईकोर्ट से जमानत व छुड़ाने का झांसा देकर अपने आप को हाईकोर्ट का बाबू बताने वाले आरोपी देवधारी लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने प्रार्थिया से जमानत दिलाने के नाम पर 1,51,500 रुपए की ठगी की थी। रायगढ़ जिले के साइबर सेल व जूट मिल थाना पुलिस ने सूचना पर रेंगल वाली चेक पोस्ट पर नाकेबंदी कर उड़ीसा की ओर से कोयला लूट कर आ रही 10 ट्रकों को रोककर वाहनों में कोयला संबंधी कागजात नहीं पाए जाने पर 10 ट्रक में 12,91,000 रुपए कीमत का 288 टन कोयला जब्त कर 10 चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर करियाम गेंदा घाट पर पुजारी मंदिर के आगे एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिरने ही वाला था। सड़क किनारे बनाई गई सीमेंट की रेलिंग में फंस गया। आधा ट्रक रेलिंग के सहारे लटकता रहा। इसे देखकर लोगों की सांसें भी अटक गई। हालांकि जैसे तैसे ट्रक को पीछे कर सड़क पर लाया गया। घटना में ड्राइवर और कंडक्टर को मामूली चोटें आई हैं।
रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने घरबोड़ा थाना प्रभारी प्रवीण मिंज की शिकायत पर उन्हें बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले बिलासपुर सरकंडा की एक युवती एवं नेशनल जगत विजन के कथित पत्रकार बाबा खवाइद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला आरोपी युवती द्वारा पूर्व में उसके प्रेमी विक्रम मंडल के संबंध में शिकायत आवेदन पत्र से जुड़ा हुआ। नवरात्र के समय जसगीत गाए जाते हैं। इस सुरीली परंपरा में माता की भक्ति की जाती है, लेकिन रायगढ़ जिले के एक सिंगर ने अनोखा प्रयोग किया। रायगढ़ से घरबोड़ा तक की खस्ता हाल सड़क पर लेट लेट कर दूरी तय करते हुए गायक ने अपना वीडियो सॉन्ग शूट किया। गाने में सिंगर राकेश शर्मा ने सड़क बनवाने की अपील माता से की है। कांकेर जिले के अंतर्गत तहसील क्षेत्र में धर्मांतरण के विरोध में ग्राम हवेचूर से तौकी बाजार स्थल तक रैली निकाली गई। रैली के बाद नाम नायाब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि अंतर्गत तहसील के गांव में गत 20 सालों से धर्मांतरण जोरों से चल रहा है। आदिवासी समाज की दो नाबालिग बहनों को पहला फुसला कर एक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर अपने घर में रख लिया है, इसे छुड़ाने की भी मांग की गई है। जसपुर जिले के बागबहरा थाना क्षेत्र के ग्राम काटरो में गरम खाना न मिलने से नाराज बेटे ने बांस और लाश से पीट पीट कर वृद्ध माँ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल वृद्धा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वृद्धा के हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी बेटे संतोष नाग को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री मोहल्ला निवासी अमनजीत चौधरी और मोहल्ले में रहने वाले उसका दोस्त सुदामा शनिवार को बाइक में सवार होकर अमनजीत के घर से निकले ही थे कि बाइक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर से जा घुसी। अमनजीत की जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में बाइक चला रहा अमनजीत चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। वही उसके साथी को चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहतर कोटिया में अपनी प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी अंकित यादव को चोर समझकर गांव वालों ने चारों तरफ से घेर कर माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ डंडा से मारपीट करने वाले आरोपी अजय ध्रुव विजय यादव राजकुमार यादव और बिसौवा बीरबल महादेव यादव को गिरफ्तार किया गया है। चंदूलाल चंद्रकर अस्पताल में मरीज पर चीटी अटैक मामला सामने आने के बाद से इस लापरवाही पर अस्पताल के डॉक्टर नर्स समेत कुल चार लोगों के ऊपर उसकी गाज गिरी है। सीएमएचओ ने कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। बता दें कि दो दिन पहले ही आईसीयू में भर्ती मरीज के मुंह से चींटियों का झुंड दिखा था। स्वास्थ्य मंत्री सहित कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की थी। 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर प्रशासन ने मामले की जांच कर कार्रवाई की है। बलौदाबाजार जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टा का कारोबार करने वाले घनश्याम भारती मोहित कुर्रे रंगलाल चिलकपुर पूर्वा रामचंदेल को गिरफ्तार कर उनके पास से सट्टा पट्टी सहित 19,980 रुपए नकद रकम बरामद की गई। गुड़गांव थाना की जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जेवरा बस स्टैंड में सस्ते में बाइक बेचने का प्रयास कर रहे दो युवा तुषार यादव और उपेंद्र ठाकुर को पकड़कर उनसे बाइक जब्त कर पूछताछ कर उनके गिरोह के 5 सदस्यों महेश्वरपुर सोनू सहित 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरों की 7 बाइक और एक मशीन बरामद की गई।